उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। चारधाम यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए धामी सरकार ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए हैं, लेकिन यात्रा मार्ग पर सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही है। एक तो धामों में एक दिन में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा है। उस पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के निकले श्रद्धालुओं का आरोप है कि पुलिस जगह जगह पर एंट्री के नाम पर उनसे उगाही कर रही है। उत्तरकाशी के बड़कोट में एक शराबी पुलिस के जवान एक का उगाही करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बड़कोट के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बैंड के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में जवान शराब पीने की बात स्वीकार रहा है और साथ ही यात्रियों से पैसे मांग रहा है। यात्रियों की रिक्वेस्ट के बाद भी, यात्रियों की प्रार्थना के बाद भी यात्रियों से वसूली करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तरकाशी की एसपी अपर्णा यदुवंशी ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए हैं। कि सर हम लोग एमपी से हैं और जैसे हरिद्वार हमने क्रॉस किया और हरिद्वार क्रॉस करने के बाद में जैसे देहरादून के काउंटर पे आए तो वहीं पे पुलिस का जो बैरियर लगा हुआ था वहीं पे पांचों गाड़ियों को एक साथ रोके उन्होंने और किसी भी पैसेंजर को नहीं उतरने दिया और पांचों गाड़ियों के जो ड्राइवर है उनको ऑलरेडी वो जो है उनके एक हाल में ले गए। उनसे पहले 5,000 रुपये की बात करी, फिर बाद में उन्होंने जो है 5,500 में फाइनल किया, किसी को रसीद देने के लिए मना कर गए। और उसी के बाद में जैसे हम आगे आए तो यहाँ मंसूरी है वहाँ पे भी यही स्थिति वही, उसके बाद बालकोट में जो है वहाँ पे भी यही का यही प्रॉब्लम रहा ना, हर जगह केवल रिश्वतखोरी और पैसे के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है आपके पास कोई पेपर की कमी हो। हम लोगों के पास में जब एमपी से निकले हैं तो पूरे पेपर कंप्लीट करके निकले, एक एक चीज़ हमारा गाड़ी का आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो, गाड़ी की पूरी फॉर्मेलिटी चेक कर सकते हो, वो सारी होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे से इस तरीके से बदसलूकी कर। जी हाँ, ये एक मामला संज्ञान में आया है, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें एक तथाकथित पुलिस कर्मी जो है एक ऐसा पैसे मांगते हुए और दिखाई दे रहा है उसमें। ये ऐसा मुझे भी तमाम ग्रुपों से आया हुआ है, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत कृत है ये पुलिस वाले का। और जो हम एक मित्र पुलिस और एक जो अतिथि देवो भव वाली एक इमेज को लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे कि हम वेलकम कर रहे हैं, उसके एकदम ही अगेंस्ट है ये। तो मैं ऐसा जो ये जो पुलिस वाले हैं जो भी हैं इनके इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लूंगा। और मैंने कंसर्न सीओज और कंसर्न इंस्पेक्टर को भी ये बता दिया है कि ऐसा जो है ये आगे से बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी तरह तैयार है और हमारी पुलिस एक जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको वेलकम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तरह का ये जो एक ये इंसिडेंट हुआ है ये आगे से बिल्कुल एक्सट्रे इंसिडेंट है, ऐसा आज आगे से बिल्कुल भी नहीं हुआ और मैं इसके खिलाफ सबसे सख्त एक्शन लूंगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं।